नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द वोल्टेज रेशियो ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज 5000/500 वोल्ट एट नो लोड। Calculate the number of turns in each winding if the maximum value of the flux in the core is 7.82 mW. तो इसमें जो है ये न्यूमेरिकल से EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो इसमें जो गिवन देखे हैं वो है एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वोल्टेज जो है दैट इज V1 is equal to 5000 volt, ठीक है, और V2 जो है 500 volt, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स। अब हमको नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग, दैट मीन्स N1 भी अपने को निकालना है और N2 भी निकालना है, ठीक। और गिवन क्या देखे हैं, फ्लक्स जो है इन द कोर दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स 5 m, दैट इज गिवन बाय 7.82 mW। 7.82 mW दैट मीन्स 7.82 × 10⁻³ weber। ओके, तो ये गिवन देखें, इस पर से अपने को N1 एंड N2 निकालना है। तो EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है कि अगर E1 देख लीजिए, E1 इज इक्वल टू 4.44 5 mF N1, यह जो है तुम्हारा EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो E1 इज इक्वल टू 4.44 5 mF N1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो N1 है वो निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी E1 बोलो या V1, दैट V1 जो है वही तुम्हारा E1 रहता है। तो E1 और इसको E2 लिखो, तो गिवन देखिए E1 का वैल्यू है 5000, दैट इज इक्वल टू 4.44 5 mF, उसका ही वैल्यू देखे हैं 7.82 × 10⁻³ और इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 एंड N1 जो है अननोन, पता नहीं है। अब इसको हमको N1 इक्वल टू क्या आएगा, N1 इक्वल टू 5000 डिवाइड बाय 4.44 इंटू 7.82 × 10⁻³ इंटू 50, ठीक है। तो ये है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका जो वैल्यू आता है इसका वैल्यू हम लोग कैलसी में पुट करेंगे, तो वैल्यू जो आता है वो है तुम्हारा 288 ये है 80.117। तो नंबर ऑफ टर्न्स राउंड फिगर में रहता है इसलिए इसको 2880 बोल सकते हैं। तो N1 जो है हमारा 2880 टर्न्स है। अब हमको N2 निकालना है सेम उसी प्रकार से, E2 का फॉर्मूला लिख देंगे, E2 इज इक्वल टू 4.44 5 mF N2। अब इसमें जो वैल्यू देखे 500 इज इक्वल टू 4.44 5 mF दैट इज 7.82 × 10⁻³ इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स एंड N2 अननोन। अब
एन टू इक्वल टू क्या आएगा 500 डिवाइड बाय 4.44 इंटू 7.82 इंटू 10^-3 इंटू 50। अब इसका वैल्यू भी हम लोग कैल्सियम में पुट करके देखेंगे तो 500 है, बाकी तो एज इट इज है, तो 288 जो इसका वैल्यू आता है 288 एन टू, तो एन टू दैट इज 288। ये है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स 288। तो होप यू समझ गए होंगे कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर से ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजीली है। पर सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं तो उसका गिवन लिख लीजिए। गिवन लिखने से क्या है कि हमारा आधा काम जो है निपट जाता है, और गिवन एक बार हमको आ गया तो बाकी फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो और कैल्सियम में वैल्यू जो है वो सही, कैल्सियम में जो है वैल्यू वो सही पुट करना आना चाहिए, तभी वो आंसर आ जाएगा। तो होप यू ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।